वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज कितने टाइम के बाद हम दोनों एक साथ है वीडियो में, है ना? वीडियो में भी और मिले भी बहुत टाइम के बाद। हाँ, मिले भी काफी टाइम बाद है। पिछली बार मिलने का हुआ था बट इमरजेंसी के वजह से ये चला गया था, तो इसलिए हम आज बना रहे हैं वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया जगह पे। आज हम कहाँ जा रहे हैं बताओ? आज हम जा रहे हैं बोबा टी पीने। बोबा टी जो है वो एक कोरियन ड्रिंक है, एक तरह से नहीं तो कोरियन ड्रिंक ही है वो। तो जो बोबा टी है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि वो एक तरह से ड्रिंक है जिसके अंदर छोटे छोटे से कुछ गोल गोल से होते हैं और जेलीज होती है, पता नहीं कुछ होता है जो भी होता है, और उसको मतलब किसी ड्रिंक में डाल के पिया जाता है। तो आज हम जा रहे हैं उस बहुत ही यूनिक चीज़ को ट्राई करने, हमने कभी नहीं पिया है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो चलो चलते हैं। वो है द्वारका सेक्टर 9 रामफल चौक। द्वारका सेक्टर 9 रामफल चौक में, एग्जैक्टली पता नहीं है द्वारका सेक्टर 7 है 9 है, बट रामफल चौक वाली रोड पे है जहाँ पे सारे शोरूम्स है। बट ये कि रामफल चौक वाली रोड पे है जहाँ पे सारे शोरूम है, जहाँ पे गोयल सन्स है ना रामफल चौक में, वहाँ पे उसी रोड पे। तो अभी चलते हैं, हमें पता लगी जाएगी हमको एग्जैक्ट लोकेशन। गोयल सन्स की प्रमोशन कर दी। गोयल सन्स की प्रमोशन कर दी। ये गोयल सन्स की प्रमोशन क्यों कर रहा है? तो अभी तो हम काफी दूर है अपनी डेस्टिनेशन से भी, हमें सीफोरी जनकपुरी मार्केट में, बट जल्द ही अगर हमें दिल्ली का जाम नहीं मिलता है तो हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे। हम देख रहे हैं क्रिकेट जो है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। वाह, फुल एफएम रेडियो बजाती है मैंने। अभी हम जा रहे हैं, हम हैं रास्ते में और बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे यहाँ पे। हमारा चल रहा है मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। लास्ट ओवर बचा यार। आप क्या चाहते हो, इंडिया जीते बांग्लादेश? यार यार ये कितनी औसम है यार। मैं ऑब्वियसली बात है इंडिया जीते, पागल है क्या? तो ये जीते बांग्लादेश, तो ये चाहते हैं इंडिया जीते, और मैं भी यही चाहूंगी कि इंडिया जीते। नहीं तो बांग्लादेश की है ना। हाँ मैं बांग्लादेशी हूँ। चलो और बोल, मैं बांग्लादेशी हूँ। चल इसलिए तो बांग्लादेश से वो करनी है। नहीं ऐसा नहीं है कि मैं बांग्लादेश को प्रमोट कर रही हूँ, बस मैं पहले से कुछ सोच के नहीं रखना चाहती, समझा? तो सोचने में क्या जा रहा है? सोचने में जा रहा है ना, फिर मुझको दुख होएगा यार कि शिट इंडिया हार गई, जनता माफ नहीं करेगी। क्या हो गया, गाड़ी ठुक गई क्या? अच्छा गाड़ी ऐसी है क्या, आवाजें करती रहती है? भाई कम से कम तुम्हारी गाड़ी की तरह तो नहीं है, जब काम हो तब सिस्टम मैलफंक्शन, ब्रेक सिस्टम ये वो करने लग जाए। गाड़ी तो कम से कम चलती है ना, बढ़िया गाड़ी है ना हमारी। तो गई ये इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि जिन लोगों ने मेरी कल परसों की व्लॉग देखी होगी जिसमें मेरी गाड़ी बीच में बंद हो गई, जिन लोगों ने मेरी परसों की ब्लॉग देखी होगी उसमें उनको पता होगा कि ड्राइविंग टेस्ट देने गई थी मैं और बीच में मेरी गाड़ी खराब हो गई, किसी रीजन से खराब हुई थी। परसों नहीं, आज ही आया ब्लॉग। अच्छा जब भी आया हो पिछला ब्लॉग देख लेना, उसमें ऐसा हो गया। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं बोलना चाहिए तुझे। क्यों नहीं बोलना चाहिए? मेरी गाड़ी है वो, मेरा तो तेरी गाड़ी हो, मेरी गाड़ी के बारे में कैसे बोल रही हो? तेरी गाड़ी में आवाज आ रही है, कम से कम बंद तो नहीं होती ना, चलती तो है ना। ठीक है बस बहुत हो गया, ठीक है ना, अच्छे से वो भी, मेरी भी अच्छे से चलती है। अब तू भैंस मत कर, अगर भैंस करने पे आ गई ना मैं तो भैंस खोल दूंगी तेरी। है बकवास कर रहा है, मेरे से मत बात कर। ओके गाइस हम पहुंच चुके हैं और अंधेरा भी हो चुका है। कितनी कितनी जल्दी हो जाता है अंधेरा, सोचो अभी सिर्फ 6 ही बज रहे हैं और अंधेरा हो गया है। तो सर्दियां हुई, पहुंच गए यार। इस पानीपुरी वाले के साथ में बैठा होना चाहिए था। पानीपुरी वाले पता नहीं, मैंने वीडियो में देखा था उसके साथ में पानीपुरी वाला भी बैठा हुआ था। अब ये मत बोलो तेरा ध्यान बोबा टी पे था या पानीपुरी पे था। रामफल चौक की मेन जो मार्केट लाइन है ना उस पे है। रामफल चौक की मेन जो मार्केट लाइन है ना उस पे है। गोयल सन्स का है वो आगे जाके, तो गोयल सन्स के पास में है ना पहले उस। अगर आप यहाँ से जा रहे हो द्वारका सेक्टर 1 की तरफ से, तो अगर आप वहाँ से आ रहे हो द्वारका सेक्टर 9 की तरफ से तो गोयल सन्स के बाद है, वरना गोयल सन्स से पहले। पता नहीं बैठा भी हो, नाव बेइज्जती करवा दे तू।
ये अबे दिखना भी तो चाहिए। अबे मोमोज वोमोज वाला लगा के बैठा है एक बार। पटी यहाँ पे ये जो ना लेंस कार्ट है यहाँ पे भी दिखा दूंगी, वहीं पे ही है उसके सामने। चले अब चलो। ओके गाइज हम आ गए हैं यहाँ पे, ये देखो आप यहाँ पे कोरियन ड्रिंक्स लिखा हुआ है साफ साफ ऊपर, और नीचे लिखा है बोबा ड्रिंक्स। जैसे मैंने कहा था लेंस कार्ट के ये आपको एकदम सामने मिल जाएगा रामफल चौक। अब ये भैया जो है धीरे धीरे करके डाल रहे हैं बोबा फ्लेवर्स। ये रहा इनका मेन्यू, अलग अलग टाइप का मेन्यू है। मोहितो बबल, तो हमने स्टार बबल और वर्जिन मोहितो का ऑर्डर कर दिया है। तो पहले इन्होंने ये बबल टी डालना बबल डालने स्टार्ट करे हैं देखो। ठीक है अभी तो यही डाल रहे हैं, ये सारे फ्लेवर्स वगैरह डालेंगे एक करके। और यहाँ पे ये एक जेली टाइप इन्होंने बताया है मुझे। अब ये ड्रिंक्स लगी हुई हैं इसी में के थ्रू इसमें डालेंगे। आई थिंक ये फ्लेवर्ड वाटर है मेरे हिसाब से। तो अभी हर्ष का बन रहा है ये वाला स्टार बबल, हर्ष ने लिया है अपना ड्रिंक और उसका रेडी हो गया है। ये मेरा बन रहा है मोहितो वाला, मैंने करा था मोहितो बबल, और ये रेडी हो चुका है मेरा भी, और बढ़िया लग रहा है देखने में। तो कप भी बड़े क्यूट है ये, तो अब ले लेते हैं अपना। थैंक यू। कैसा है? हेलो बोबा टी बर्स्ट हो रहे हैं ना। बहुत अच्छा है, मतलब यूनिक टेस्ट है इसका। तो मतलब जो छोटे छोटे इसके जो बबल्स है ना वो एकदम से बर्स्ट हो रहे हैं। बहुत मतलब ऐसा नहीं, बहुत अजीब सा गिलगिला का टाइप टेस्ट आ रहा है, मतलब बहुत ही बढ़िया है। अच्छा है, मतलब ट्राई कर सकते हो, यूनिक टेस्ट है, यूनिक ड्रिंक है। गाइस तो हमने पी लिया है बोबा टी। जो बोबा टी था वो बहुत ही मतलब यार यूनिक सा था, उसका टेस्ट क्या होगा तेरे को तो गुमसुम है। अच्छा ये वो देख रहा है मैच, ओके। तो बोबा टी जो था देखो उसमें पहले तो वो एक छोटे छोटे से बोबा से डालते हैं, ठीक है, बोबा नहीं होते बबल होते हैं बबल से डालते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें वो आइस डालते हैं, फिर थोड़ी सी ना जेली टाइप भी डाली थी उसमें। ये बोबा टी थी, ये बोबा कॉफी नहीं थी। एक कॉफी आती है, एक शेक आते हैं। हाँ। बोबा शेक भी आते हैं। हाँ, चॉकलेट वगैरह। हाँ। फ्लेवर्स होते मम्मी। ये टी थी, मतलब इसके अंदर मोहितोस वगैरह थे। मतलब ये एक हमने मोहितो लिया था, वर्जिन मोहितो, और एक स्टार बबल, और एक स्टार बबल था वो ऑरेंज के ऊपर बेस था। हाँ। तो वो भी अच्छा था, मतलब है थोड़ा यूनिक है पर थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड अगर मानोगे तो। ने बोला कि ओवर प्राइस था, मैं मानती हूँ, क्योंकि एक था 145 तो फिर अब मोहितो भी आप देखोगे तो मोहितो भी 70 रुपीस की नॉर्मल प्राइस में आ जाती है, इतने में आ जाता है, अच्छी जगह का वो। हाँ, और तो 100 रुपए आई थिंक होना चाहिए था, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए था इसका प्राइस। अब बाकी भाई मुझे नहीं पता, मैं तो फर्स्ट टाइम पिया, फर्स्ट टाइम देखा, फर्स्ट टाइम पीने के लिए मतलब थोड़ा वो है, यूनिक आइटम है। हाँ यूनिक तो है। हाँ यूनिक है, ऐसा टेस्ट फर्स्ट टाइम मिला लाइक टंग को मेरी। जा सकते हो, ट्राई कर सकते हो, आपको अच्छा लगेगा, टेस्टी भी लगेगा और रिफ्रेशिंग लगेगा। अब तो वैसे भी ठंड आ गई है, तो अभी इस टाइम चले जाओ तो बढ़िया रहेगा, वरना जुकाम खांसी हो जाएगी। जैसे अभी हमारे गले पकड़ गए ना, थोड़ी सी खांसी हो गई है। ठंडा था यार वो, बहुत ज्यादा बहुत ठंडा था, बर्फ डाली थी। और पर उसका गिलास बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा गिलास है। मतलब वो ऐसा गिलास है कि आप उसको घर पे भी लेके जा सकते हो, जैसे कॉफी वगैरह बना के आप इसमें डालो। तो हमने अपने दोनों पकड़ लिए, एक ले जाएगा घर, एक मैं ले जाऊंगी, और बहुत ही क्यूट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप जाओ एक्सप्लोर करो दिल्ली, और क्या पी जाओ हमारे साथ करना। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड, होप आपको अच्छी लगी होगी हमारी ये वीडियो। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत जल्दी आएगी। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।